हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने नए घर से। और आज की ताज़ा खबर ये है, हमें अपने कुछ गुप्त सूत्रों से पता चला है कि ठंड आ गई है। इट्स नॉर्मल। नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ, तो मैं सीरियस बात बताता हूँ। हमें अपने गुप्त सूत्रों से ये पता लगा है कि आज चीनू घर नहीं आ रहा, वो बूजी घर चल गया है। ये आज की ताज़ा खबर। और बाकी की न्यूज़ आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा। 100 मिनट में 100 खबरें दूंगा तुम्हें भाई, खबरी हूँ ना मैं। और भाई अभी टाइम हो गया शाम के 4:30। आज का ब्लॉग अभी स्टार्ट हो रहा है। और आज के ब्लॉग में मैं जाने वाला हूँ, सिर्फ मैं, हम नहीं, मैं जा रहा हूँ शादी में। आकाश, यू नो अबाउट आकाश, आप सबको आकाश के बारे में पता ही होगा। मैं जा रहा हूँ आकाश के घर, आकाश की बहन की शादी है, तो आज मुझे वहाँ जाना है। और देखो आगे क्या होता है, बहुत देर हो गई उससे मिले। उसको एक्चुअली वो बीमार हो गया शादी से 1-1.5 हफ्ता पहले, उसको टाइफाइड हो गया है। वो बीमार था, आज कह रहा है थोड़ा फ़र्क है। और देखते हैं अब जाके उधर से मिलते हैं उससे। वाह यार, सनसेट हो रहा है ना, उस वजह से मुँह ऐसे ग्लो कर रहा है। चलते हैं अंदर, पहले जिम जाऊँगा, उसके बाद शादी में जाना है, इसलिए आज मैं जल्दी जिम जा रहा हूँ। 5 बजे जिम होके, 5 बजे जिम जा रहा हूँ, 6:15 वापस, और 6:30 बजे तक निकल जाऊँगा, 7 बजे उधर। समझ गया ना? नहीं समझे? ये टॉवल देख के समझे? नहीं समझे? मेरे फेवरेट टाइम भाई, जिम टाइम। निकल लिया, 5:15 हो गए भाई घर से निकलते निकलते, 6:30 तक वापस आ जाऊंगा। चलते हैं भाई, जिम चलते हैं। आई होप कि चीनू भी जम्मू जिम मार ले। फाइनली फाइनली भाई, आउट फ्रॉम द जिम, जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करके निकल आऊँ भाई, शादी में जाना है। 7:45 तो इधर ही हो गए, कब पहुंचूंगा? यस, बाय बाय। सो गाइस, आई एम रेडी फॉर द शादी। ये शर्ट है, नीचे ब्लैक ही पैंट है, और ये ब्लैक कोट है, आपको दिख रहा होगा। ये अभी लगाऊंगा मैं, ये शादी में जाके लगाऊंगा, क्योंकि ऐसे फिर ड्राइव नहीं होती। और गाड़ी ले गए हैं चिक्कू भैया, मैं उनका वेट कर रहा हूँ कब से, कहने से खड़े होकर बातें कर रहा था। इनके घर भी शादी है ना, अभी दीदी की शादी है। एक मिनट रुको, मैं कह रहा दीदी की शादी है, तो ये पूछ रहा था पैंट कोट इसने लेना है। इसने इस पठानकोट गया था, इसको कुछ पसंद नहीं आया, मुझे कह रहा मेरे साथ चलना, मेरे को दिलवाना। तो मैं, कोई नहीं, जब टाइम मिलेगा तब जाएंगे इसके साथ भी। तो अभी बस भैया का आई नहीं अभी तक, उन्होंने मुझे कॉल की, कहते रोड पे आ जा, मैं पहुँचने वाला हूँ। कोई नहीं, कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट, लेट तो हो ही गए हैं थोड़ा सा। मुझे लग रहा है आ गई गाड़ी अपनी। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ यस ब्रो, अपनी गाड़ी आ चुकी है। यस 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 यस। सो गाइस, फाइनली पहुंच गए इधर, अभी निकालते हैं अपना कोट। हाँ, मिलते हैं आकाश को। सेम टू सेम, ब्लैक ब्लैक पूरा फ्रेम चा जा। चल अंदर ले चल, खाचा कुछ? क्या बोला ना? क्या पांडे चुगने वास्ते बुलाया तू? साले तू खिलाड़ कड़े बुलाया? मैं कपड़े चेंज कर ले फिर। बड़े बड़े काम कर कुछ नहीं समझे यार, मेरा पैंट कोट खुलवा लिया यार। मजाक कर रहा हूँ भाई, ये आकाश के कपड़े हैं,
उसने रात को मुझे घर नहीं जाने दिया और आंटी ने भी बोला नहीं नहीं आज इधर ही रहना है। और रात को यार रास्ता भी सुनसान है ना, इसलिए मैं रात को अकेले गया भी नहीं। और फिर ये व्लॉग मैं अगले दिन बना रहा हूँ सुबह भाई। रात को मैं सोया क्योंकि मैं उठा नहीं, रात को मैं सोया क्योंकि आज हमारे काना है ना, काना आपको पता ही है उनके घर भी फंक्शन है आज, सत्संग है, दीदी की शादी है ना, उनके घर सत्संग है। था मैं अभी, मुझे सुबह सुबह 7 बजे उसका फ़ोन आया, बोलता भाई दल चेक चले सामान लेने वाला, यार मैं तो घर पे ही नहीं हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो अभी मैं निकल गया हूँ जल्दी से घर से खांसी क्यों आ रही है, वो पीछे पैंट को टंगा हुआ है और ये मैंने उसी कपड़े लगा लिए लाश के। मैं उसको बोला तू लेने आ जाइए खुद ही, वो आएगा शायद मेरे पास कपड़े वगैरह लेने। आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब।